अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं, जो बस्ती लोकसभा का चुनाव लड़ने का सपना देखे थे और उनके साथ ये भैंस भी है। ये भैंस कुछ खास है, अब्दुल जब्बार ही बताएंगे। जब्बार साहब, ये भैंस क्या खास है इसमें? आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे। आज के हैं और हमारे पास में कार और बंगला तो है नहीं, और यही हमारे पास साधन है, इसी से बैठ के जा रहे थे साहब। क्या करने जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? पर्चा दाखिला करने जा रहे थे संसदीय का, तो बीच में जो है हमारे जो प्रस्तावक थे उनको रोक लिया गया। खेला हो गया क्या आपके साथ? खेला हो गया। प्रस्तावक को रोक लिया गया और प्रस्तावक पहुंचे नहीं, तो अब दो तीन आदमी जब नहीं पहुंचे तो हमारा पर्चा दाखिल नहीं करा पाए हम। तो आपने पूरी तैयारी पहले से की थी? कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? अरे करीब एक डेढ़ महीने से कि हम लड़ेंगे और तैयारी किया हमने। अच्छा, प्रस्तावक में कौन कौन थे जरा ये बताइए? प्रस्तावक में करीब क्या नाम है, लाला एक नाम था, एक रजिंदर नाम था, ऐसे कई आदमी को रोक लिया। प्रस्तावक को भी 15 आदमी थे और तो दो तीन का वो नहीं था ठीक, और जो 10 मुकर्रर किया था वहाँ पर्चे में लिखवाया था उसमें भी से रोक लिया गया, तो फिर उसकी वजह से। घर के गांव के ही लोग थे या कुछ घर के भी थे? कुछ गांव के थे, कुछ पड़ोस के थे, गांव वालों के रोका गया और गांव ही के कुछ तब के दो एक आदमी ऐसा है कि जो हमारे साथ में जो ये काम कर रहे हैं, तो मतलब रोक लिया गया है। गांव के एक दो आदमी है उनके खिलाफ जो है देखेंगे शाम तक, लोगों से मशवरा मिलाने की भाई उनके साथ कैसा हम व्यवहार आप करें, जैसा गाँव वाले कहेंगे वैसे आप करेंगे। हुआ क्या एक्चुअल में, जैसे आप भैंस पे बैठ के जब गाँव से निकले तो फिर आपके प्रस्तावक आपके साथ नहीं, कब पता चला? अब हम जब यहाँ से कहा चलो, तो जब हम भैंसे पे बैठ के जा रहे थे, ये पहुंच भी गए तकरीबन ये कुड़वा से आगे तक, फिर उसके बाद में ध्यान नहीं दिया कि कोई आया कि नहीं आया, लेकिन 6-7-8 गए, लेकिन और दो तीन आदमी को रोक लिया गया वही गाँव ही से। अच्छा, आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, क्या विजन क्या है आपका? विजन ये है साहब की मैं अन्याय से लड़ना ये हम सबका काम है ना, और इसी वजह से लड़ रहे थे कि मतलब विचारधारा हमारा ये है कि गरीबी भगाओ और मेहनत करो अपने इलाके में, और हमारे वैसे जो है इस इलाके में जो है कप्तान में जो तो वैसे अंग्रेज तो चलेगा, लेकिन तो अभी हमारा ये जो है कप्तानगंज क्षेत्र जो है अभी भी वो है क्या नाम है, हाँ पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ दूसरे आगे और कब्जा करके बसे हैं, हमारी यहाँ की नहीं है, कोई बाहरी है, कोई विधायक हुआ तो बाहरी है कोई, इसके वजह से ख्याल बना के हम क्या करते हैं। जब्बार साहब, दुकान है हमारी है छोटी सी, और अब एक्सीडेंट हो गया था पहले, तो इसके वजह से दुकान अभी बंद है, फिर देखेंगे कुछ। राजनीति में रुचि कैसे आई, कब आई? ये तो 15-20 साल से है, लेकिन ऐसे सपोर्ट वपोर्ट किसी कर देते थे, लेकिन जब देखा कि जिसका सपोर्ट करो वही जो है फिर बाद में जो है ना, तो फिर उसकी वजह अपने ही कोशिश किया कि अपने प्रयास किया जाए। क्या बड़े किसी दल में नहीं बातचीत किए थे? नहीं सर, नहीं किसी दल में नहीं बात किया। तो इस बार नहीं लड़ पा रहे हैं, चूक गए आप, क्या कहेंगे? तो अगले बार तैयारी करेंगे, अब इससे तगड़ी तैयारी काम करेंगे। तो खेला हो जा रहा है, तो खेला हो जा रहा है, लेकिन भगवान है, अल्लाह है, वो तो खेले को देख रहा है, तो हो सकता है अभी विफल कर ले गए, हो सकता है आगे हमें जो है मौका दे दिया जाए भगवान की तरफ से, तो दुनिया क्या रोक लेगी, है ना? जब भगवान हमें मौका दे दिया, अल्लाह दे दिया, तो बस यह है कि हम हटेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। जो बड़े बड़े नेता आते हैं वोट मांगने के लिए गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में बैठ के, और आप भैंस पे बैठ के जा रहे थे, तो क्या अंतर है? अरे भाई, अब उनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो उससे जा रहे हैं, अब हमारे पास तो यही सुविधा है, मोटरसाइकिल है, ये भैंसे की सवारी है, या ठलिया है, घास लाना है तो उसे ठलिया बनवाए हैं उसी में लेके आ जाते हैं, और उसी पे बैठ के कभी सवारी भी कर लेते हैं। तो बस्ती लोकसभा लड़ने जा रहे हैं, कुछ इतिहास पता है बस्ती का? बस्ती का तो बहुत इतिहास है, कितने वोटर हैं पता है? हाँ बहुत सारी, कम से कम जो है 14-15 लाख।
आपने पर्चा खरीदा था नामांकन? हाँ जी सर, भरा भी था, सब कुछ किया था, प्रस्ताव की वजह से ऐसा हुआ। अफसोस है आपको इस बार? अफसोस है, हाँ अफसोस है, लेकिन हौसला नहीं खत्म किया है। हाँ अफसोस है सर, लेकिन हौसला नहीं कम हुआ, अब इसकी बड़ी तैयारी करूंगा। एक सवाल पॉलिटिकल ले लेते हैं आपसे, मुस्लिम आरक्षण पे क्या सोचते? वो होना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए। अगर हमारा कोई हक छीने तो हमें रोना चाहिए, गाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, जाना चाहिए। भाई साहब हमारा ना खत्म किया जाए, इस पे तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी तो लगातार करेंगे, मुस्लिमों को आरक्षण करते ही नहीं लेने देने दे। प्रधानमंत्री जी कहते तो है, लेकिन वो कहते हैं लेकिन करते तो नहीं है साहब। कह ही रहे कि मुस्लिमों को आरक्षण देंगे ही नहीं। हाँ तो वो बस वो उसी का तो लिया, हम भी कोशिश कर रहा था और कोई पार्टी नहीं कर रही है। इससे पहले समाजवादी भी कौन से कर दिया, कहा कितना परसेंट हम नौकरी दे देंगे, कौन सा कर दिया उसे? हाँ आए 5 साल अखिलेश जी और हाँ नौकरी पूरी कुछ दिया, केवल वोट बैंक के तौर पे आप लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमान को वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया जाता है। और इसी की वजह से ज्यादा हम इसमें खड़े भी हुए कि भाई हमारा अपना घर होना चाहिए, हम कब तक दूसरे के घर में जो है रहेंगे किराए में। इसकी वजह से जो है हमारा ये इरादा था कि हम अपने घर को, तो फाउंडेशन डला हुआ है, आगे जो है दीवार भी खड़ी हो जाएगी अगर आप लोग भगवान से दुआ हुआ करें। हम भी अल्लाह तो आपके प्रस्तावक करेंगे जब बन। अब तो हो लेके आप निकले थे नामांकन? एक लाला थे और एक रजिंदर थे, इन्हीं को हमारे गांव ने रोक लिए। दो तीन प्रस्तावक सुभाष करके थे, तीन आदमी को रोक लिया और सात तो पहुंच गए थे। तो भैंस पे बैठ के आप नामक पहुंच गए थे कलेक्ट्रेट? हाँ हाँ सब पहुंच गए, यहाँ से 6 बजे निकला। और चलिए अब्दुल जब्बार जी थे जिनका सपना इस बार तो टूट गया है, क्योंकि ये सांसद बनने के लिए निकले थे भैंस पे सवार होके, लेकिन इनके पछतावा के बीच में गायब हो गए, उसके बाद ये नामांकन अपना इस बार नहीं कर पाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।